पीडब्ल्यूडी ऑफिस परिसर के पास स्थित गणेश मंदिर में चोरों ने बोला धावा, दान पेटी पर किया हाथ साफ। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में आयोजित पुस्तक मेले में अभिभावक और बुक डिपो संचालक के बीच डिस्काउंट को लेकर हुई बहस, बुक डिपो संचालक पर धमकी देने के लगे आरोप। सीबीएसई बोर्ड ने घोषित किए 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट। फर्स्ट स्टेप सीनियर सेकेंडरी स्कूल का रिजल्ट रहा 100%। शाला प्रबंधन ने दी विद्यार्थियों को बधाई। और कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने ली सभी विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक। जारी कार्यों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा, और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पीडब्ल्यूडी ऑफिस परिसर के पास स्थित गणेश मंदिर में बीती रात चोरों ने धावा बोलकर मंदिर की दान पेटी का ताला तोड़कर उसमें हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। बीती रात मौसम खराब होने के कारण बिजली बंद थी, इसी दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों ने दान पेटी पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब मंदिर पुजारी ने दान पेटी का ताला टूटा देखा तो समिति को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद समिति अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली टीआई उमेश गोल्हानी पुलिस टीम के साथ मंदिर परिसर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। साथ ही उन्होंने बीट प्रभारियों को क्षेत्र में गश्ती बढ़ाने के निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी परिसर में जो है माता मंदिर है और उसी के सामने गणपति जी का मंदिर है, परिसर है यह। और यहाँ पे दान पेटी में चोरी की बात आई है, इसमें क्योंकि कल जो है मौसम खराब था और लगभग 1:30-2 बजे रात तक लाइट गोल रही है पूरे इस एरिए की, और उसी का फायदा उठाते हुए कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हरकत लग रही है। हम इसका पता लगा रहे हैं, आसपास लोगों से बातचीत की है, कुछ संदिग्धों को आज शाम तक चिन्हित करके उठाया जाएगा, और जो भी इस तरीके का भगवान के दर पर जो है दान पेटी का कृत्य किए हैं उनको जो है चालाकों के पीछे हम भिजवाएंगे। सर कितनी कीमत आदि की कीमत कुछ ज़्यादा ना हो, लेकिन चूँकि मंदिर है और महत्व का मंदिर है, ऐसी जगहों पर चोरी होना जो है अच्छी बात नहीं होती है, और जिन्होंने भी किया है उन्होंने भी एक पवित्र स्थान पर घृणित कार्य किया है, उनको हम सजा दिलवाने का कार्य जरूर करेंगे। ये हमारे जो गणेश मंदिर देवी जी के मंदिर है, तो आज बीती रात में गणेश मंदिर में चोरी हो गई। इसके पहले भी 2-3 बार चोरी हुई है, तो पिछले बार भी हुई थी तो पैसे बरामद हो गए थे। हमारे ज़िले की पुलिस इतनी सजग है और इतनी अच्छी है कि उन्होंने चोर को पकड़ा और हमारे पूरे पैसे बरामद हो गए थे। एक और आपको बात बताऊं, मैं दीपावली के दिन मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, वो भी बहुत महंगा था, और हमारे जो गणेश अपना जो मेन रोड है वहाँ पर जयराम क्लाथ स्टोर के सामने, वहाँ पे शायद जेब से किसी ने निकाल लिया था, तो मैंने थाने में रिपोर्ट किया। गोहेल साहब टीआई साहब ने बहुत सजगता से मुझे बोला कि आपका मिल जाएगा मोबाइल, और हम लोग बहुत दुखी थे क्योंकि बहुत महंगा मोबाइल था। तो हमारी इतनी अच्छी जिले की पुलिस है कि 3 घंटे में मोबाइल मिल गया, और उस दिन दीपावली का दिन था और 12-15 मोबाइल मिले, और सभी के चेहरे इतने खुश थे कि जिसकी हद नहीं। तो हमारे ज़िले की पुलिस बहुत सजग है। मैं पूरी असर गोयल साहब है, उन्होंने अपनी टीम से पूरा सर्वे किया, यहाँ पर सर्च किया, तो हमारे पैसे मिल जाएंगे, ये हमको पूरी उम्मीद है। अभी क्या चल रहा है? अभी पेटी में से जो है दान पेटी में से पैसे वगैरह ले गए, हमने देखे नहीं है कुंदा तोड़ के। पहले मंदिर का ये गेट ताला तोड़े, उसके बाद फिर अंदर जो दान पेटी रखी है उसमें से पैसे चोर के, उसका कुंदा उखाड़ के और पैसे चोर के ले गए। कौन सा मंदिर है ये? गणेश मंदिर है, पीडब्ल्यूडी परिसर में जो गणेश मंदिर है। आपका नाम? मैं इंद्रजीत सिंह बैस, अध्यक्ष मंदिर समिति। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में आयोजित पुस्तक मेले में आज शुभम स्टेशनरी बुक डिपो के संचालक और पुस्तक खरीदने आए एक अभिभावक के साथ जमकर बहस हो गई, जिसके बाद धमकी और गाली गलौज तक पहुंच गई। अभिभावक राजेश जैन ने बताया कि वे पुस्तक मेले में पुस्तक खरीदने के लिए आए थे, जहां पर शुभम स्टेशनरी बुक डिपो द्वारा उन्हें 5% डिस्काउंट देने की बात कही गई, तो उन्होंने इससे ज्यादा डिस्काउंट देने की मांग रखी तथा दूसरी दुकान का बिल देने पर आपत्ति जताई।
जिस पर बुक डिपो संचालक द्वारा उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर देख लेने की धमकी दी गई। वहीं दुकान संचालक का कहना है कि उनके पास पुस्तकों का स्टाफ खत्म हो गया था, इसलिए उन्होंने दूसरी दुकान से पुस्तकें बुलवाई थी, इसलिए वे दूसरी दुकान का बिल दे रहे थे। मैं राजेश जैन हूँ और अभिभावक हूँ, और यहाँ पर पुस्तक मेला जो लगाया गया प्रशासन द्वारा, उसमें अपने बच्चे के लिए पुस्तक लेने आया था। तो पुस्तक लेने में कल भी आया था, 11, 12, 13 का मेला था, तो मैं 12 तारीख को कल आया था दोपहर में। तो बोले अभी सेट नहीं है, आप या तो 1 घंटे बाद आना, नहीं तो कल आ जाना। कल यानी आज के लिए उन्होंने बुलाया था, तो मैं जैसे ही आया तो उन्होंने फिर पुस्तक बुलाया, मैं 1 घंटे से वेट कर रहा था, फिर बुलाया कि भैया मैं कल भी आया था। अब जैसे ही आया तो मैंने पूछा कि इसमें डिस्काउंट वगैरह कितना क्या दे रहे हैं, तो बोले 5%। तो मैंने बोला ये तो बहुत कम होता, प्राइवेट पब्लिकेशंस में तो ज़्यादा डिस्काउंट दी जा सकती है, तो इसमें मुझे ज़्यादा प्रतिशत का उसमें डिस्काउंट चाहिए। तो बोले तुम हमको समझाओगे कि हम इतने दिन से बिजनेस कर रहे हैं, इतने ही है तो तुम ही खोल लो दुकान। और हाँ, ये महाकौशल बुक डिपो के संचालक संजय कौशल ने, और बोले हम शाम को तुमको देख लेंगे, धमकी भी देने की कोशिश कर रहे थे कि शाम को देख लेंगे, और रेवे से बात कर रहे थे। तो ये शब्दों का उपयोग किया, ये ग्राहकों के साथ अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल हमें कुछ अच्छा नहीं लगा, कि पुस्तक मेला में हम बड़ी आशा से आए थे और ऐसी निराशा हाथ लगी। भाई हम तो मोल भाव कर सकते हैं, हम ग्राहक हैं, कर सकते कि नहीं भैया? और हम जब हम जी किस स्कूल की थी और कौन किस क्लास की? निर्मला इंग्लिश मीडियम स्कूल की थी, वहाँ निर्मल पब्लिक स्कूल की भी उन्हीं के यहाँ पर मिलती है, सबको मालूम पूरे शहर को कि दो चार। किसी भी दुकान में जाके क्यों नहीं ले लिया आपने? हमने पहले पूरे एक नंबर लेके पूरे काउंटर पहले तलाश कर लिए, ताकि हमको बोलने को रहे कि हमने देखे के नहीं। फिर गए तो उन्हीं की दुकान में मिली, पर मैंने 2 बार प्रयास करके लिया, बस परसेंटेज मांगा कि एक ग्राहक परसेंटेज नहीं मांगा, और कहीं नहीं है। और उसके बाद एक उन्होंने एक फ्रॉड और किया, जब बिल काटा जाता तो जिस फर्म से आप हमको बुक दे रहे हैं उसका देना चाहिए, आधा मोड़ के मुझसे साइन करवाई जा रही थी कि आपने प्राप्त किया। मैंने जैसे ही उसकी GST नंबर देखने खोला तो चौक से स्टेशनरी का बिल दिखा, मैंने तत्काल इसका विरोध किया, तो वो भड़क गए मेरे ऊपर। फिर हमने बोले ये तो आप दूसरे फर्म का दे रहे हैं तो क्या होता है? बोले हमने बोले जिस जहां का माल ले रहे हैं वहां का बिल चाहिए, तो उन्होंने दूसरा बिल फाड़ा। इत्तेफाक से जब गलती करता है इंसान तो दोबारा गलती फिर करता है। उन्होंने एक बिल काटा जिसमें महाकौशल बुक डिपो तो लिखा था, पर कच्चा बिल था GST वाला। मैंने फिर यही विरोध दर्ज कराया, और अभी मैं इसकी शिकायत भी करूंगा कलेक्टर साहब को कि मुझे देख लेने की भी धमकी दे रही, यदि मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार शुभम स्टेशनरी वाले रहेंगे। मैं आज पुस्तक मेले में पुस्तकों के संबंध में जानकारी लेने आया था कि कौन सी पुस्तक है कौन सी नहीं है। इन्हें चुने काउंटरों में जो जिनकी स्कूलों की जहां मिलती बस वहीं बुक मिल रही थी और कहीं नहीं मिल रही। मैं 22 नंबर में शुभम महाकौशल बुक डिपो में पहुंचा तो एक अभिभावक जिनका नाम राजेश जैन है वो बुक ले रहे थे, तो उस दौरान उस बुक स्टोर संचालक ने उनको धमकी दिया, थे को शाम को देख लेंगे, तू कौन होता है, गाली गलौज का उपयोग किया जो गलत है, ऐसा अभिभावकों के साथ बिल्कुल नहीं किया जाता, और उन्होंने बहुत गलत भाषा का उपयोग किया। मैं इसका विरोध करता हूं, और इन्होंने 5% डिस्काउंट दे रहे थे तो उन्होंने बार्गेनिंग की, भैया आप 10% 20% 30% दे सकते, उन्होंने बिल्कुल उनको सिरे से नकार दिया और गुस्से में उल्टी सीधी बातें करने लगे जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उनका तत्काल विरोध किया हूं, और उनकी जो भी उनने धमकी दी उसका विरोध वीडियो बनाया हूं जो मेरे पास है। मैं इसकी शिकायत कलेक्टर महोदय, SP महोदय और यहाँ के जो
मेला अधिकारी उनको दूंगा। अगर किसी अभिभावक के साथ किसी प्रकार का भी गलत होगा तो मैं उसके लिए अकेला खड़ा हूँ, पूरे जिले के अभिभावक के लिए मैं अकेला खड़ा हूँ। किसी प्रकार का अगर राजेश भाई के साथ कुछ गलत होता है तो मैं उसके साथ हमेशा खड़ा हूँ, लेकिन इस प्रकार का गलत नहीं करना चाहिए बुक डिपो वालों के साथ। मेरा नाम रोहित मालवी, मैं छिंदवाड़ा का अभिभावक संघ का अध्यक्ष हूँ। सीबीएसई बोर्ड द्वारा 13 मई को 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित किए गए, जिसमें शहर के फर्स्ट स्टेप सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कक्षा 12वीं का रिजल्ट 100% रहा। सीबीएसई बोर्ड द्वारा घोषित रिजल्ट में फर्स्ट स्टेप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने सभी संकायों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय सहित संपूर्ण जिले को गौरवान्वित किया, जिसमें अंतरिक्ष सिंह 96%, ईशान सूर्यवंशी 95%, आयुष अयोधी 95%, इशिता नायक 94%, नुपुर नेमा 94%, पियाली सरकार 94%, वैभव सिंह रघुवंशी 93%, वेदांत साहू 93%, मोहित हरजानी 93%, दिव्या राजपूत 93%, निधि कौशल 92%, सौम्या रघुवंशी 92%, वंश गुप्ता 91%, हर्षिता ठाकरे 91%, साक्षी टाटेकर 91%, वरुण राजपूत 91%, स्तुति मिनोचा 91%, आर्या कौशल 90%, सात्विक तिवारी 90%, स्नेहा सूर्यवंशी 90%, अभी डहरिया 89%, राजशी सूर्यवंशी 89%, समृद्धि राठी 88%, आकांक्षा वर्मा 88%, अनन्या साहू 88%, भूमि नेमा 87%, भूमिका पवार 87%, अभिनव बिंद्रा 87%, दीक्षा लांजीवार 87%, प्रियंका यादव 86%, ईशा गोयल 86%, चिरायु बिहारे 85% अंक प्राप्त किए। शाला के चिरायु बिटारे ईशान सूर्यवंशी ने रसायन शास्त्र में 100 में से 99 अंक प्राप्त किए हैं, वहीं इशिता नायक को अर्थशास्त्र में 100 में से 99 अंक प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार कुमारी प्रज्ञा वर्मा ने एंटरप्रेन्योरशिप में 100 में से 99 अंक व कुमारी सौम्या रघुवंशी ने अकाउंट्स में 100 में से 98 अंक प्राप्त कर शाला को गौरवान्वित किया। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर शाला संचालिका श्रीमती प्रदीप साव एवं शाला प्राचार्य श्रीमती रुचिका अमित साव ने समस्त स्कूल स्टाफ की ओर से सभी विद्यार्थियों एवं पालकों को शुभकामनाएं प्रेषित की। मैं श्रीमती मंजू साव, डायरेक्टर ऑफ फर्स्ट स्टेप स्कूल, अपनी शाला की प्राचार्य श्रीमती रुचिका साव एवं सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की तरफ से 10वीं और 12वीं के सभी छात्र छात्राओं को बधाई देती हूँ। हमारी शाला का परिणाम अत्यंत उत्कर्ष रहा, जिसमें 12वीं के छात्र चिरायु बिहारे ने एवं ईशांत सूर्यवंशी ने केमिस्ट्री में 99% अर्जित किए, प्रज्ञा वर्मा ने ईपी में 99 मार्क्स अर्जित किए हैं, इशिता नायक ने इकोनॉमिक्स में 99% अर्जित किए हैं। 10वीं का भी परिणाम बहुत ही उत्कर्ष रहा, जिसमें हर्षित पाटिल ने गणित में 100 में से 100 मार्क्स अर्जित किए हैं, उज्जवल जैन ने ओवरऑल 98% अर्जित किए हैं, 12वीं में हमारी शाला के टॉपर अंतरिक्ष सिंह ने 96% मार्क्स अर्जित किए हैं। मैं शाला की तरफ से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं और यह उनसे ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि इनका जीवन हमेशा ही खुशहाल रखे। मैं सभी पेरेंट्स की आभारी हूं, उनके सहयोग की अपेक्षा हमेशा रहेगी शाला के विकास के लिए। धन्यवाद। आई एम उज्जवल जैन, आई हैव सिक्योर्ड 98% इन माय क्लास 10th, एंड फॉर दिस सक्सेस आई वुड लाइक टू थैंक प्रिंसिपल मैम एंड ऑल द रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड अबव देम ऑल माय डियर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली। मेरा नाम अंतरिक्ष सिंह है, मैं फर्स्ट स्टेप स्कूल में 12th क्लास में हूँ और मेरे अभी सीबीएसई में 96% बने हैं और मैं अपने इस रिजल्ट का श्रेय अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को देना चाहूँगा। उनकी हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि, और आगे चल के मैं JEE दिया हूँ और फिर IIT जाने का प्लान है। I am Pragya Verma and I scored 95.2% in my 12th board. आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगे? मैं तो मेरी सफलता सबसे पहले मैं टीचर्स को देना चाहूंगी, मेरे कॉमर्स के टीचर, दे आर सो सपोर्टिंग मेरे पेरेंट्स को और मेरे फ्रेंड्स को, दे हेल्प मी इन ऑल दिस एंड
आप सेटिस्फाई हैं इतने नंबर? थोड़ा लगा था कि थोड़ा और स्कोर किया जा सकता था और बेटर किया जा सकता था, बट स्टिल आई एम सेटिस्फाइड। कैसे तैयारी करते? मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने टेस्ट दिया सैम्पल पेपर्स के, और जो जो टीचर्स मुझे गाइड करते थे मैंने वही किया, उससे इट हेल्प मी अ लॉट। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने सभी विभागों के अधिकारियों से शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में कार्यों की प्रगति जानी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। बैठक में एडीएम केसी बोपचे, जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल सहित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। ये जब आपको खुद हटवाना हो, सिविल जेल की कार्रवाई भी लिख रहे हो और अधिकारी हटाएंगे, तो सिविल जेल भेजिए दो चार को जो बदमाश हो। गेल इंडिया कंपनी वाला का क्या हुआ? सर इसमें लास्ट वीक में 1,10,000 की और वसूली हुई है, टोटल 15.45 लाख की वसूली हो चुकी है, बाकी अभी 25 लाख होना है। जी साल हो रहा है, चलो ठीक है, एसडीएम जुनार दो। ठीक है, अगला प्रदीप अग्निहोत्री जमींदार जामाई, उसको नोटिस का जवाब देना, क्या जवाब लेना उससे? मुझे पता है भाई, अब वो केवल अनुपस्थिति के कारण उसको 3 बार निलंबित किया था, रिटायर हो चुका है, उसको केवल चेतावनी दे करके आप बहाल कर दीजिए और सेवाबाजी मान गया तो उस पर और कोई ऐसा रिएक्शन तो ले नहीं सकते आप। तो नोटिस किस बात का दे रहे हो? उससे क्या जवाब लो? तो जवाब निलंबन प्रकरण में ऑलरेडी वो दे चुका है, केस निकाले पुराने संस्कार सेना संगठन द्वारा आज गौधुली वृद्धाश्रम में मदर्स डे सेलिब्रेट किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि देवी पूजा किशोरी जी भागवत कर्ता द्वारा माता पिता के प्रति सेवा भाव पर अपने विचार व्यक्त किए गए। कार्यक्रम में अध्यक्ष यशवंत रघुवंशी, महिला प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर मीरा पराड़कर, संस्कार सेना की उपाध्यक्ष अलका नीरा शुक्ला, सदस्य मनोज कश्यप, अशोक साहू सहित अन्य सदस्यों ने सहयोग प्रदान किए। आज हमने यहाँ वृद्धाश्रम में मदर्स डे मनाने आए हैं संस्कार सेना की तरफ से, और सभी हमने यहाँ माताओं की पूजन वगैरह किया है और इनका आशीर्वाद प्राप्त किया, और हम चाहते हैं इसी तरह हम आते रहे, इनका आशीर्वाद लेते रहे और मदर्स डे पर सभी देशवासियों और सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और हमारे संस्कार सेना के सभी जितने भी अधिकारी और जितने भी सदस्यगण हैं उनको शुभकामना है मदर्स डे की। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अलका शुक्ला है और आज हम सभी लोग यहाँ मिलकर आए हैं और वृद्ध आश्रम में सभी मदर माताओं के साथ में मदर्स डे मना रहे हैं। ये एक तो संस्कार सेना का भी हमारा एक मुख्य आयोजन था कि हम लोग सभी माताओं से मिलें, वृद्धों से मिलें, इनके दुखों को बांटें, साथ में अपना जो महिला राष्ट्रीय महिला जागृति मंच है इसको लेके भी आज हमने एक नई शुरुआत करी है वृद्धों को लेके, और इसकी चेयरमैन पर्सन अंबिका शर्मा जी हैं और ये हम जगह जगह महिलाओं के उत्पीड़न पे भी काम कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय महिला जागृति मंच कर रही है और संस्कार सेना भी, दोनों मिलके इस मुहिम को लेके आगे बढ़ रहे हैं और जगह जगह हर प्रदेश देश में ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव में इसको लेके जहाँ भी वृद्ध महिलाएं हैं लड़कियां हैं जो संस्कार आज देना चाहिए बच्चों को, उसके लिए हम लोग सभी मिलके ये काम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग इसको पहुँचाना चाहते हैं। खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। भारत भारती विद्यालय, एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय, CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल,
नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क चांद रोड सरसवाड़ा बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ वाटर पार्क सभी प्रकार के स्लाइड, ब्लैक होल स्लाइड, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसे छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड उपलब्ध। शानदार बड़े बड़े 4-4 स्विमिंग पूल, वेव पूल एवं बकेट्स और किड्स पूल उपलब्ध। फैमिली एवं अन्य के लिए अलग अलग डांस फ्लोर, बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड रेस्टोरेंट, पार्टी के लिए लॉन एवं हर रविवार डीजे एवं ढोल के साथ ग्रुप डांस की प्रस्तुति। विजिट करें श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क सरसवाड़ा छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। किरदार संस्थान छिंदवाड़ा द्वारा जिले की अभिनय एवं लेखन से जुड़ी प्रतिभाओं को निखारने के लिए 12 मई को ऑडिशन का आयोजन किया गया। कार्यशाला के लिए संस्थान में 54 पंजीयन हुए जिनके ऑडिशन शाम तक संपन्न हुए। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर पवन नेमा द्वारा बताया गया कि शाम तक कुल 54 प्रतिभाओं ने अपने अभिनय का परिचय ऑडिशन के दौरान दिया। ऑडिशन के निर्णायक के रूप में डॉक्टर दिलीप खरे, डॉक्टर पवन नेमा, ऋषभ स्थापक, विशाल शुक्ला, शशांक दुबे एवं आयुष शुक्ला रहे। ऑडिशन के संयोजन में विप्र वर्मा एवं गर्व घोंगे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऑडिशन में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक अभ्यर्थी शामिल हुए जो विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। संस्थान द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को कार्यशाला में थिएटर बेसिक्स, कंटेंट राइटिंग, फेस एक्सप्रेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, डायलॉग डिलीवरी, बॉडी मूवमेंट, शॉर्ट फिल्म मेकिंग इंट्रोडक्शन, डायलॉग डिलीवरी एवं पब्लिक परफॉर्मेंस के गुर सिखाए जाएंगे। देर शाम होने एवं अन्य अभ्यर्थियों को मौका देने के लिए किरदार संस्थान द्वारा 2 दिन बाद 15 मई दिन बुधवार को भी स्थानीय डॉक्टर दिलीप खरे पंचकर्म सेंटर बड़वन में ऑडिशन का आयोजन प्रातः 11 से 4 बजे तक किए जाएंगे। जब मुझे समाचार प्राप्त हुआ कि मेरे भ्राता श्री राम, जिन्हें मैं अपने पिता समान मानता था, वो मुझे और मेरी नगरी अयोध्या को छोड़कर यहाँ इस प्रकार वन में निवास कर रहे हैं, भ्राता श्री, क्या आपने मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा? क्या आपने अपने भाई भरत को बिल्कुल ही त्याग दिया? क्या ऐसी बात आन पड़ी जो आप अपने प्रिय भरत को और अपनी प्यारी नगरी अयोध्या को छोड़कर यहाँ इस प्रकार वनवासियों की तरह जीवन व्यतीत करने वाले? जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है ऐसा गीत आप सुनाएंगे? गीत सुनाएंगे जी।
कलेक्टर कार्यालय में आज इफ्को कंपनी के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक ड्रोन अपनी सहयोगी संस्था को प्रदान किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह व कृषि उपसंचालक जितेंद्र कुमार सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि किसानों द्वारा दवाइयों व कीटनाशक के छिड़काव के लिए बाहर से काफी महंगी कीमत पर ड्रोन कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के लिए खरीदे जाते हैं। इस कंपनी के द्वारा किसानों को यह ड्रोन काफी सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिक से अधिक किसान इसका लाभ ले सके इस हेतु प्रचार वाहन रवाना किया गया जो गांव गांव जाकर किसानों को जानकारी प्रदान करेगा। सभी किसान को नमस्कार। आज हम यहाँ जिला कलेक्टर कार्यालय में इफ्को की ओर से एक हमारा FPO है भूमिजा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी उनको ये इफ्को की ओर से ये ड्रोन दिया गया है। ड्रोन के साथ साथ में इसका पूरा सेट जो है EV के माध्यम से पूरा जो 17 लाख का सेट है ये इनको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये किसानों को जो स्प्रे करने के जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आ रहे हैं उसके स्प्रे के लिए जो मतलब ये ड्रोन काम करेगा। नॉर्मल तौर पर हम देख रहे हैं तो करीब 600 से 700 रुपए ड्रोन ऑपरेटर जो ले रहे हैं। ये हम कोशिश करेंगे कि इफ्को के माध्यम से और इस FPO के माध्यम से कम जो भी कॉस्ट हो सकती है लगभग 300-350 रुपये इस चार्ज पर हम ये किसानों को प्रोवाइड करवाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर पाटदार है, मैं जिला प्रबंधक इफ्को। दिल्ली में आयोजित एक सप्ताह की विशेष कार्यशाला में शामिल होने के लिए आज FDDI कॉलेज के फैशन एवं MBA के लगभग 30 विद्यार्थी दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां विद्यार्थी अपने विषय से संबंधित नई नई जानकारियां प्राप्त करेंगे। कॉलेज प्रबंधन की ओर से विद्यार्थियों की शिक्षा एवं जानकारियों के स्तर को बढ़ाने के लिए समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हम FDDI छिंदवाड़ा के MBA बैच 23 के सेमेस्टर 2 के दौरान उन्हें इंडस्ट्रियल विजिट पर दिल्ली ले जा रहे हैं। हम वहाँ पर विभिन्न मॉल्स और इंडस्ट्रीज विजिट करेंगे ताकि जो हमारे छात्र यहाँ थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं उसका उन्हें वहाँ पे एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाए। कितने दिन का है ये टूर? हमारा एक हफ्ते का है। 7 दिनों में हम वहाँ पे अपने कैंपस के द्वारा प्रोवाइड की गई सुविधाओं के द्वारा इंडस्ट्री घूमेंगे और अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बच्चों को जानकारी देंगे। इससे इन बच्चों को क्या फ़ायदा होगा? इन बच्चों ने अभी तक जो भी पढ़ाई थ्योरेटिकली करी है उसका उनको पहली बार प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखेगा और साथ में ये समझ में आएगा कि भाई आज इंडस्ट्री में किस तरह की जॉब और वो सब अवेलेबल है। उसके अकॉर्डिंगली ये कम से कम भी अपने अगले 1 सालों में अपने आप को उन इंडस्ट्रीज और जॉब्स के लिए तैयार कर सकेंगे। इसके लिए उनको बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम सुशांत यादव है, मैं FDDI छिंदवाड़ा में एज ए सीनियर फैकल्टी रिटेल काम कर रहा हूँ। थैंक यू। जिलापाल धनगर समाज संगठन छिंदवाड़ा की मासिक बैठक का आयोजन IPS कॉलेज में किया गया। बैठक में भवन निर्माण की समीक्षा एवं अहिल्याबाई होलकर जयंती की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शशिकांत पाल द्वारा की गई, जिसमें चांद क्षेत्र से वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर भौरीपाल का मनोनयन किया गया। बैठक में जिला प्रभारी चैतराम पाल, संरक्षक रोशन पाल, कार्यकारी अध्यक्ष भेदीलाल पाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मदन लाल पाल, रामदास पाल, जिला सचिव रूपेश पाल सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। जिलापाल समाज संगठन छिंदवाड़ा द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया IPS कॉलेज में छिंदवाड़ा में, जिसमें सभी हमारे बुजुर्ग पदाधिकारीगण उपस्थित हुए एवं युवा पदाधिकारीगण उपस्थित हुए, जिसमें हमारी विशेष चर्चा भवन निर्माण को आगे बढ़ाने के विषय में चर्चा की गई एवं आने वाली 31 मई को देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती को भव्य रूप प्रदान करने के लिए सभी सामाजिक बंधु से चर्चा की गई एवं जो फिजूल खर्ची है उसको कैसे रोका जाए कार्यक्रमों के दौरान उस विषय में भी हमारी विशेष चर्चा की गई और हम आने वाले 31 मई को
जिला बाल समाज संगठन ने सभी पदाधिकारी, युवा और वरिष्ठ सभी लोगों के निर्णय से, सभी लोगों की सहमति से समाज की ओर से मैं जिला अध्यक्ष शशिकांत धनोरिया, देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती 31 मई को हम सभी मिलकर, सभी समाज मिलकर, हमारी जो पूर्ण समाज है सब मिलकर जयंती को एक अच्छा रूप देने का प्रयास करेंगे, ऐसा मैं सभी सामाजिक बंधु से निवेदन करता हूँ। विगत 8 मई से शक्तिनगर पार्क में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जारी है। कथा स्थल पर आचार्य श्री पंडित दीक्षित शास्त्री जी द्वारा कथा प्रवचन किए जा रहे हैं। शक्तिनगर में भागवत कथा का आयोजन दाढ़े परिवार की ओर से किया जा रहा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की सुंदर बाल लीलाओं के साथ मटकी फोड़ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रीमद् भागवत कथा का समापन 15 मई को हवन पूजन एवं भंडारे के साथ किया जाएगा। तो ठाकुर जी ने देखा ये घूंघट तो नहीं खुल रही है, तो उठाई लाठी और जो मारी इसकी मटकी पर, तो तीनों मटकियां धड़ाधड़ करके फूटी और सारा दूध दही माखन इस गोपी के ऊपर, तो गोपी भागी। मेरी पर खड़ी है यशोदा और पल्लू पकड़ के पीछे खड़े कन्हैया 3.5 वर्ष के। यशोदा ने कहा, अरे अरे गोपी, यदि मेरा लाला ठीक से भोजन नहीं करा, तेरे घर आवे तो थोड़ा दो लौंदा माखन खिला दिया कर। गोपी ने कहा, यशोदा ज्यादा ज्ञान मत दो, मैंने करके देखा। तो कहने लगा, गोपी एक बात कहूँ, चोरी के माखन का जो स्वाद है ना, वो इसमें नहीं है, और मैं माखन मेरे मुंह में फेंक कर चला गया। और जाते जाते दरवाजे चला जाता है, बछड़े दूध पी लेते हैं, जब हम गौने बैठते हैं कुछ निकलता नहीं। तो एक गोपी ने कहा, बछड़ों को खोलना तो ठीक है, लेकिन पीछे से आकर के बच्चे हमारे सोते रहते हैं, हम सोचते हैं घर का काम हो जाए, ये पीछे से आकर चिमजी लगाता है, बच्चे जाग जाते हैं, बच्चे रोने लगते हैं, तो हंसने लगता है, ताली बजाते हैं। इतनी सारी शिकायतें गोपियां कर रही हैं। एक गोपी ने कहा, वो सब तो ठीक है तेरी, लेकिन तेरा लाला एक नंबर का चोर है। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। पीडब्ल्यूडी ऑफिस परिसर के पास स्थित गणेश मंदिर में चोरों ने बोला धावा, दान पेटी पर किया हाथ साफ। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में आयोजित पुस्तक मेले में अभिभावक और बुक डिपो संचालक के बीच डिस्काउंट को लेकर हुई बहस, बुक डिपो संचालक पर धमकी देने के लगे आरोप। सीबीएसई बोर्ड ने घोषित किए 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट, फर्स्ट स्टेप सीनियर सेकेंडरी स्कूल का रिजल्ट रहा 100%, शाला प्रबंधन ने दी विद्यार्थियों को बधाई। और कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने ली सभी विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक, जारी कार्यों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।